हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल माय वर्सेटाइल कॉर्नर। और जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं हाउ टू डू, चीजें करनी कैसे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रंट लोडेड फुली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े कैसे धोने हैं। इसका एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरे फंक्शन समझा रखे हैं इस पैनल के। ये देखिए, यहाँ से ऑन होता है। इस सारे पैनल के पूरे फंक्शन मैंने उस वीडियो में आपको समझा रखे हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम बात कर रहे हैं टर्बो वॉश की 59 पर। ठीक है, ये टाइमर आपको यहाँ ऑलरेडी दे रखा है। अब क्योंकि ये पूरी AIDD मशीन है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सेंसर बेस्ड है। ये टाइम अपने अकॉर्डिंग लेती है, कपड़ों को सेंस करती है, कितने कपड़े हैं, किस तरह का मटीरियल है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको टाइमर देती है। बट क्योंकि हम आज देख रहे हैं टर्बो वॉश, ये दिख रहा होगा आपको टर्बो वॉश 59। अब ये जो 59 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये 59 मिनट ही लेगा। यहाँ देखिए, यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा है 59। ठीक है, यहाँ देखिए ये 3 आइकन दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो फर्स्ट आइकन है, जब हम सारा प्रोसेस ऑन कर देंगे ये ब्लिंक होने लगेगा। ये आइकन है वॉश होने का, जब तक कपड़ा वॉश होता रहेगा ये आइकन ब्लिंक करता रहेगा। सेकेंड आइकन है आपका रिंस का, कपड़ों को का जो सर्फ निकालना है वो इसमें होगा, ये ब्लिंक करेगा, इसका मतलब ये एक्शन चल रहा है। देन थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है स्पिन का, मतलब कपड़े ड्राई होने लगेंगे। अब यहाँ आप देखिए फिक्स टाइम आ चुका है 59। यहाँ आपका टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको स्टार्ट नहीं करना, ये टेम्परेचर पे मैंने क्लिक किया, अब देखिए 60 पे आ गया, अगेन कोल्ड पे चला गया। बिल्कुल ठंडा रखना है पानी तो कोल्ड, ठीक है। ये 20, ये 30, ये 40। आप देखिए टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ टाइमर भी चेंज हुआ। तो अभी ये जो ऑटोमेटिक लेता है दैट इज 40 डिग्री। यहाँ इसमें ही लेगा 1200 स्पिन, इतने राउंड्स लेगा। अगर आपको इसे भी एडजस्ट करना है तो आप इस पे प्रेस करते जाइए, 1400 स्पिन लेगा। तो देखिए टाइमर भी चेंज हुआ है। तो हम वापस से वहीं आ जाते हैं, आपको जितनी बार चेंज करना हो आप उसको क्लिक करते जाइए। अब हम समझते हैं इसमें हमें कपड़े किस तरीके के डालने हैं। देखिए टर्बो वॉश में आप मिक्स मटेरियल डाल सकते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ मिक्स फैब्रिक भी दिख रहा है, ठीक है। मिक्स फैब्रिक में भी आप हर तरह का कपड़ा डाल सकते हैं, बट ये टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लेता है। तो मिक्स फैब्रिक हम डाल रहे हैं, हमें पहले यहाँ से मशीन ऑन कर देनी है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको इसी तरफ से रोटेट करना है, इसे ऐसे, ये ऐसे ही रोटेट करना है। ठीक, हम 59 पे आ जाते हैं वापस। कभी भी ऐसे रोटेट नहीं करना, ठीक। तो हम कपड़े डाल देते हैं। देखिए एक ऑप्शन और है, आपको लगता है 59 से हमें थोड़ा सा और ज्यादा डालना है तो ये ऑप्शन होता है रिंस प्लस। आपको कपड़े, अगर आपको लगता है सर्फ ज्यादा है, तो अगर आपको लगता है कपड़े थोड़े गंदे हैं, ज्यादा 59 पे वॉश नहीं हो पाएंगे, तो आप ये प्री वॉश स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखिए लाइट ऑन हो गई, बट इधर टाइमर भी ज्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़े इतने गंदे हैं तो मैं इसे वापस से हटा देती हूँ, ठीक। सर्फ जो नॉर्मल आपका डलता है, ये है सर्फ की ट्रे, हम इसमें सर्फ डाल लेते हैं। इसमें सर्फ सेमी ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में कम डलता है। ये देखिए बस इतना सर्फ आपको डालना है। पता लग रहा होगा ट्रे में, ये ट्रे ऐसे पुश करके आप बंद कर देंगे। अब देखिए कपड़े, ये आपका यहाँ से जगह दी हुई होती है, यहाँ देखिए इस जगह आपको जगह दी हुई है इसको पकड़ने के लिए। यहीं से आपको डोर ओपन करना है इसका, ठीक है। अब हम इसे मिक्स फैब्रिक डाल रहे हैं। हर तरह के कपड़े हैं इसमें, कॉटन, होजरी, लाइनन, सब कुछ है। देखिए अभी इतने कपड़े इसमें आ चुके हैं, अभी थोड़ा और हम डाल सकते हैं। पर आपको ये देखना है इसमें कि कपड़े डालने के बाद ऊपर से ऐसे देखिएगा, इतनी जगह बचनी जरूरी है टब में अंदर, ये वरना ये ढंग से धुल नहीं पाएंगे आपके कपड़े, क्योंकि इनको स्पिन होने के लिए जगह भी चाहिए। तो अभी हम इतने ही कपड़े डाल रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। ध्यान रखिएगा मशीन स्टार्ट करने के पहले आपको वाटर सप्लाई ऑन करनी है। वहां आपको टी दिख रही है, उस वाटर टैप में आप देखिए एक टी लगी हुई है, वो हमेशा इसको कंट्रोल रखती है। आप पूरे टाइम नल को चालू छोड़ सकते हैं, पानी मशीन को जितना लेना होगा वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी। तो उसको ऑन छोड़ना है आपको। अब इस ऑन करते हैं मशीन को, सब सिस्टम ऑन है अपने। यहां से अभी देखिए जो ब्लिंक हो रहा है, यहां जो भी आपको सेट करना हो इस बटन को ऑन करने के पहले ही आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी सेट नहीं करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम इसे, ठीक। अब आप यहां देखिए ये प्रोसेस चालू हो गया है, देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है मतलब वॉश के लिए अभी स्टार्ट हो गई है, ठीक। यहां देखिए ऐड आइटम पे लाइट आ रही है। ऐड आइटम पे लाइट आने का मतलब है कि आप इसमें अभी 10 मिनट तक भी आपको लगता है मैं और कपड़े डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखिए मैं यहां बता रही हूं आपको, ये देखिए लॉक दिख रहा है, दिख रहा है, ये अभी ऑन है मतलब लॉक हो चुकी है मशीन अभी, ठीक है। अभी नहीं खोल सकते आप इसे। आपको अगर इसमें ऐड करना है तो आपको वापस यहां प्रेस करना है, ये देखिए हुआ, ये लॉक हट गया यहां से। अभी आप इसको वापस खोल सकते हैं, ये देखिए। अभी मैं एक दो कपड़े और डाल रही हूं इसमें, ठीक, ये देखिए इसीलिए कपड़े वापस जल गए। अब वापस हम इसे ऑन कर देते हैं, ठीक। अब मिलते हैं हम 59 मिनट्स के बाद, मतलब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, मैं आपको इतना वेट नहीं कराऊंगी, तब तक आप अपना बाकी काम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी 13 मिनट्स रिमेनिंग है और ये सेकंड वाला आइकन ब्लिंक कर रहा है। सेकंड आइकन जैसा पहले बताया था ये होता है रिंस करने के लिए, मतलब ये कपड़ों का सर्फ निकाल रहा है। देखिए ये हो रहा है, ये ब्लिंक, 1 मिनट बाकी और ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये ड्राई हो रहा है, ठीक है। एंड मीन्स पूरा प्रोसेस जो आपका 59 मिनट्स का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। ये एंड आ गया। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैनल पे आपको मेन स्विच ऑफ करना होगा और यहाँ से कपड़े निकाल देना है बस। कपड़ों को आप बाहर निकालेंगे, थोड़े टेंगल्ड होते हैं, थोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे, फंसे हुए होते हैं, ये देखिए आपस में फंस गए हैं, तो ये आपको एक एक करके निकालने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।